दोस्तों, सचिन तेंदुलकर ने पूरी कोशिश की कि उनके बेटे का सिलेक्शन वर्ल्ड कप 2023 में हो जाए, पर वर्ल्ड कप में अपनी टीम को जिताना एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। शायद इसीलिए BCCI ने अर्जुन तेंदुलकर को वर्ल्ड कप में ना लेने की साफ मनाही सचिन तेंदुलकर को कर दी। जैसे कि आप लोगों को पता है, 5 अक्टूबर को वनडे वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है। वर्ल्ड कप का फाइनल मैच 19 नवम्बर को खेला जाएगा। कुल मिलाकर इंडिया में खेले जाने वाला ICC वर्ल्ड कप 2023 44 दिनों का होगा। इस विश्व कप में 10 टीमें भाग लेगी, जिनमें से 8 ICC क्रिकेट विश्व कप सुपर लीग के जरिए क्वालिफाई कर चुकी हैं और शेष 2 जिम्बाब्वे में चल रहे क्वालिफाई टूर्नामेंट के जरिए पहुंचेगी। क्वालिफायर में पूर्व चैंपियन श्रीलंका, वेस्ट इंडीज के अलावा नीदरलैंड, ओमान, स्कॉटलैंड, UAE, अमेरिका और मेजबान जिम्बाब्वे भाग ले रहे हैं। विश्व कप में सभी टीमें एक दूसरे से राउंड रॉबिन आधार पर खेलेगी, जिसके बाद सेमीफाइनल और फाइनल होंगे। अर्जुन तेंदुलकर को वर्ल्ड कप में लेने के लिए सचिन तेंदुलकर और BCCI ने बहुत प्रयास किए और कई दिग्गज खिलाड़ी राहुल द्रविड़, धोनी और कोहली ने भी अर्जुन तेंदुलकर को प्रैक्टिस कराई, जिससे उनके बॉलिंग में सुधार आए और थोड़ी बहुत भारत के लिए बल्लेबाजी भी कर ले। पर वर्ल्ड कप 2023 में सिलेक्शन के काबिल वो नहीं बने, इसलिए वर्ल्ड कप में ना खेलने की वजह से सचिन पूरी कोशिश कर रहे हैं, जिससे अगले वर्ल्ड कप में उनके बेटे का सिलेक्शन जरूर हो। दोस्तों, आप कमेंट में जरूर बताइए कि अर्जुन तेंदुलकर को वर्ल्ड कप 2023 में खेलना चाहिए था। अपनी कीमती राय जरूर देना और वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दें।